अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आप सबके नेक हाजतें नेक तमन्नाएं पूरी करें। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उनको रोज़गार से लगा दे, जो रोज़गार से है अल्लाह ताला उनके रोज़गार में खैर व बरकत दे, जो बच्चियों के नेक नसीबे होना है अल्लाह ताला उनके जोड़े से उनको मिला दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला सिरात अल मुस्तकीम पे ईमान पे चलने वाली औलाद अता करे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अचानक का खैर अता फरमाए, आने वाले शर से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मूंग की दाल, ब्रेकफास्ट मूंग की दाल। थोड़ी अलग टाइप की है ये, जैसा आम हैदराबादी स्टाइल नहीं है, थोड़ा हटके है। उसके लिए चाहिए 50 ग्राम दाल ली मैं मूंग की, और रोस्टेड नहीं है, उसके बाद मैं भिगा दी, वो भिगे बाद से 100 ग्राम हो जाती। तो थोड़ा आप लोगों को डिस्प्ले में बताने रख रही हूँ मैं। कैप्सिकम 50 ग्राम, उसको मैं ऐसा बीच में से कट कर ली, छोटी वाली कैप्सिकम लेना है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है। अनियन 1 पीस, नमक आधा चाय का चम्मच, अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, कोथमीर 3 चाय के चमचे, 3 हरी मिर्ची, ऑयल 1 कप, हल्दी 3 पिंच, पानी है इससे 2 कप लेंगी। मूंग की दाल थोड़ा सा बाजों का देर में गलती तो इसलिए 2 लेंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मूंग की दाल। पहले ऑयल डालेंगे, कैप्सिकम डाल लेंगे, शिमला मिर्ची, थोड़ा इसकी स्मेल आने देंगे ऑयल में। मीडियम टू हाई फ्लेम है, मैं ये निकाल लूँगी, बस ये कलर आना है। स्मेल आ रही, स्मेल आती निकाल लेना आप। नियन डाल दूँगी मैं, रेड निकलना है, प्याज, अदरक लहसुन डाल दी, हरी मिर्ची को ऐसा करके डालेंगे। इसमें लाल मिर्ची डाले तो दाल मजे की नहीं होती। एक हरी मिर्ची डाली मैं, ये दूसरी भी एक स्टीम करके डाल देंगी। अभी एक रखी हुई दम से डालूंगी, हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया। ये जो दाल भिगी हुई है बोली ना, मैं ये डाल दूंगी। थोड़ा अच्छा स्मेल आकर भूनूंगी मैं इसको। जब ये नीचे ऐसा लगेगा ना, जब पानी डाल देना है अपने को, भुने गई स्मेल बहुत भी बहुत अच्छी आ रही। ये डाल दूंगी मैं ये दो, इससे ज्यादा ना डालूंगी, और एकदम लूज न रहती ये, ना उतनी एकदम टाइट रहती, थोड़ा सा रहना लूज, बताती हूँ मैं आप लोगों को। बस दाल एकदम काली नहीं होना, दाल भूनते वक्त। अब इसको ऐसा फुल कवर नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा रखूंगी, मीडियम टू हाई फ्लेम है, फिर आप लोगों को बीच में बताऊंगी। और नमक अभी नहीं डाली, मैं बताऊंगी कब डालना है। ये देखिए अब दाल का कलर, नमक डाल दूंगी मैं इसमें अब, क्योंकि दाल गल जाती है इतने पानी में, हल्के हाथों से हिलाऊंगी, इसलिए छोटा चम्मच ले ली मैं अब, क्योंकि दाल एकदम घुटे जैसी हो जाती है। कोथमीर डाल दूंगी मैं, कैप्सिकम, ये ऐसा स्लिट्स करके डाल रही मैं, हरी मिर्ची डाल दी, कवर करके गैस बंद कर दूंगी, आप लोगों को डिश आउट करके बताऊंगी, क्योंकि हरी मिर्ची और कैप्सिकम की स्मेल अच्छी आती। गैस बंद कर दी,
आप हमको डिश आउट करके बताओ। मूंग की दाल और कैप्सिकम बनके तैयार है, और गरम खाते वक्त आप ऊपर से घी भी डाल के खा सकते हैं, और तेल कम इसलिए में, और इंशाल्लाह मैं कोलेस्ट्रॉल फ्री भी मूंग की दाल जल्द से जल्द बताने वाली हूँ आप लोगों को। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में खास तौर पे याद करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।